हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इन द कोर्स ऑफ फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स. ओके बेटा, सो चलो आज जाइए वापस अपने उसी वीडियो लेक्चर में, अपने उसी टीचर के साथ, केसीआर मैम के साथ. कुछ नए कंसेप्ट को हमें पढ़ना है, कुछ नए कंसेप्ट के बारे में देखना है इन केस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स. तो जैसे कि आपको पता है, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए थे और कुछ कंसेप्ट आज हमें इस हमारे नए वीडियो लेक्चर में पढ़ना है विथ योर केसीआर मैम. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल से गुड मॉर्निंग टू मी एंड एज वेल एज गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो बेटा, आप लोगों को पता है क्लास स्टार्ट करने से पहले मोर एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए हम लोगों को. टॉपिक्स पढ़ने से पहले हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश चाहिए. तो यस, ये गुड मॉर्निंग आपके माइंड को फ्रेश कर देगा और ये क्लासरूम सिटिंग आपको क्लासरूम वाली फीलिंग देंगी. सो विथ योर हैप्पी फेसेस प्लीज कम बैक टू योर वीडियो लेक्चर्स. सो जैसे कि आप लोगों को पता है बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट किया था, मोशन इन वन डायमेंशन एंड द मोशन इन टू डायमेंशंस. सो जस्ट 5 मिनट के अंदर हम थोड़ा सा फॉलो अप ले लेते हैं उन टॉपिक्स का. सो जैसे हमने मोशन इन वन डायमेंशन में आपको ऐसे बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म करता है और अगर उसका मोशन सिर्फ एक लाइन में हो, सिर्फ स्ट्रेट पाथ में हो, तो एट दैट टाइम दिस मोशन इज द मोशन इन वन डायमेंशन. जो आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस सिर्फ एक एक्सिस को बिलोंग करता हो, उस मोशन को हम लोग कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन. द यस एन एंट यस मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज द मोशन इन वन डायमेंशन. अगेन हमने रनिंग एथलीट के बारे में भी देखा था और हमने आपको बोला था यस यू नो अबाउट द एथलीट एंड एट दैट टाइम यू से यस. ओके, सो रनिंग एथलीट इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन. सो बेटा, ये तो लास्ट लेक्चर के कुछ टॉपिक्स है. उसके लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स के, जो आप लोगों को JEE, नीट एंड NDA को पढ़ने में बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं. सो आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं विथ योर हैप्पी फेसेस एंड द टॉपिक इज वॉट मोशन इन टू डायमेंशन. सो लेट्स स्टार्ट. What is the motion in two dimension? So, एक बात तो आपको क्लियर होगी कि motion in one dimension means object travels a path in a straight line. Object travels a single line. But in case of the motion in two dimension, the motion is represented by any two of three coordinates. Any two of the three coordinates. Yes, motion in two dimension. Now, the example, a body moving in a plane. So, let's फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैं आप लोगों को एक आइडिया क्लियरली बता दूं. यू नो वेरी वेल दिस थ्री आर द कोऑर्डिनेट. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस. सो व्हेन बॉडी परफॉर्म द मोशन आउट ऑफ 3 axes, any two of them, at that time the motion is said to be motion in two dimension. Motion in two dimension. When the body moving in a plane, yes, this blackboard is a plane. How? Because it is in two dimension. Again, how? So let's see here. This is the one dimension and this is the two dimension. So blackboard is the best example of plane. And so when the body moving in a plane, at that time its motion in two dimension. So इस बात को clear करते हैं हमारे इस diagram पर से. So let's see here. Yes, it's a very beautiful concept of motion in two dimension. Let's see here. All of these are the examples of all the bodies moving in a plane. All the bodies moving in a plane, not a aeroplane. Not an aeroplane. The body is moving in a plane. At that time, it follows the two-dimensional path. So that is the motion in two dimension. Now, the next concept or the next types of the motion, that is the motion in three dimension. Yes. In this case,
motion of a body is said to be three-dimensional if all the three coordinates, you know, all the three coordinates means what? X-axis, Y-axis and Z-axis. So all the three coordinates of the position of the body change with respect to time, then these are the concept of the motion in three dimension. So first of all, mind ko fresh kariye and don't be confused in case of the one dimension, two dimension and three dimension. Ek baat clearly samajh lijiye beta, motion in one dimension, body, yes, follow the one dimensional path. Motion in two dimension, body perform the motion in plane, that is the two dimension concept. And motion in three dimension, all these three axes get described by the body while performing the motion, that is the motion in three dimension. So example, motion of a flying bird, let's see. Yes, what a beautiful, night. This is the motion of flying bird. This is the three dimensional. Yes, kyunki beta bird pura area cover karta hai jab wo apna motion perform karta hai. Wo kisi bhi direction mein ghoom sakta hai, wo kisi bhi direction mein ja sakta hai. So this is the concept of the motion in three dimension. The next example of motion in three dimension, yes, kite flying in the sky. Yes, आकाश में जब आप लोग पतंग उड़ाते हो बेटा, so it is also one of the best and the familiar example of motion in three dimension. क्योंकि जैसे ही आप पतंग को उड़ाते हो बेटा, at that time kite आकाश में किसी भी direction को follow करती है और किसी भी direction में आगे जाती है. So this is the motion in three dimension. आई बात समझ में? उसके बाद में motion of molecules. Yes. What is this? This is the motion of molecule. It is also the motion in three dimension. Motion in three dimension. So all of these are the examples of motion in three dimension. आई बात समझ में बेटा? अब clear हो गया? Motion in one dimension, motion in two dimension and the motion in three dimension. Now the next is types of motion. अगेन अब आप बोलोगे, मैम आपने अभी तो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल बताया. हाँ बेटा, ये जो मैंने अभी आपको मोशन के टाइप्स बताए, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड द थ्री डायमेंशनल, ये तीनों टाइप्स बेटा मोशन के डायमेंशन को ध्यान में रख के थे. अब डायमेंशन को ध्यान में रख के नहीं, अब सिंपल कंसेप्ट को ध्यान में रख के बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले आता है लीनियर मोशन और इसी का दूसरा नाम है ट्रांसलेशनल मोशन. अ बॉडी हैज द लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ. जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन फॉलो करती है या स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, उस मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, पॉइंट टू बी नोटेड. ओके, now example, motion of a moving car on a straight road. Dikh raha hai beta aap logo, clear? Yes, this is the motion of the car on a straight road. This is the translational motion. Uske baad mein, yes, aap logo ko dikh raha hai, ball ko hum log drop kar rahe hai. And after dropping, ye single path follow kar raha hai. After dropping, ye kya kar raha hai beta? सिंगल पाथ, लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है. इट इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन. लीनियर मोशन का ही दूसरा नाम होता है बेटा ट्रांसलेशनल मोशन. ये बात क्लियर हो गई. उसके बाद में नेक्स्ट इज द रोटेशनल मोशन. विच मोशन? रोटेशनल मोशन. मोशन ऑफ एनी बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस. मोशन ऑफ एनी बॉडी अराउंड इट्स फिक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेशनल मोशन. यस, जो बॉडी सर्क्यूलर पाथ फॉलो करेगा अराउंड एनी एक्सिस, अराउंड इट्स एक्सिस, दैट मोशन इज नोन एज द रोटेशनल मोशन. सो एग्जाम्पल, यस, व्हाट इज दिस? यस राइट, दिस इज अ सीलिंग फैन. दिस इज अ फैन, रोटेटिंग फैन. सो रोटेटिंग फैन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. यस, यू आर राइट.
क्योंकि ये अपने फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, रोटेट हो रहा है. सो दिस इज द रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एज वेल एज मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एज वेल एज मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. दिस इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, गॉट इट? यस बेटा. ट्रांसलेशनल मोशन, बॉडी फॉलो द स्ट्रेट पाथ. रोटेशनल मोशन, बॉडी फॉलो द सर्क्यूलर पाथ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. नाउ द नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन. विच मोशन? ऑसिलेटरी मोशन. सिंपल, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. समझ में आ रहा है? अब आप बोलोगे मैम टू एंड फ्रो मीन्स वॉट? सिंपल, अप एंड डाउन, आगे पीछे ऊपर नीचे होने वाले मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. यस, इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बोलोगे मैम ये ऑसिलेटरी मोशन है? यस यस, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. लेट सी हियर, दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन. दिस इज द ग्रीन बॉल, दैट ग्रीन बॉल इज द सिंपल पेंडुलम, ऑसिलेट हियर एंड देयर, हियर एंड देयर. दिस इज द टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स फिक्स पोजिशन. दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन. सिंपल सी बात है, यस, स्प्रिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, दैट इज द टू एंड फ्रो मोशन अगेन. When any body swinging on a swing, yes, दिख रहा है झूला झूले है आप, yes, so वो तो एक प्रकार का oscillatory motion ही हुआ. तो जब कोई body आगे पीछे ऊपर नीचे at that time the body perform the oscillatory motion, body perform the oscillatory motion. So this is the best example of oscillatory motion. ये भी आपके सामने दिख रहा है, ये भी है बेटा ऑसिलेटरी मोशन. ये आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, ये भी है बेटा ऑसिलेटरी मोशन. तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपको ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताते. सो इज इट क्लियर बेटा कि एक्चुअली विच मोशन इज द लीनियर मोशन? यस. सो एक बार बस ध्यान लीजिए, जब कोई बॉडी लीनियर पाथ फॉलो करेंगी ड्यूरिंग इट्स मोशन, दिस इज द लीनियर मोशन. उसके बाद जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगी ड्यूरिंग इट्स मोशन, तो ये कहलाएगा रोटेशनल मोशन. और जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करती है बेटा अबाउट इट्स फिक्स पोजीशन, तो उसे कहते हैं हम लोग बेटा ऑसिलेटरी मोशन. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन एंड द मोशन इन थ्री डायमेंशन के बारे में बताया. वो हुआ डायमेंशन के रिस्पेक्ट में. इतना ही नहीं बेटा, तो मैंने मोशन के बेसिक टाइप्स भी आपको बताए, ट्रांसलेशनल मोशन एंड द रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. तो मोशन का ये पिटारा मैंने आज आपके सामने खोल दिया, ताकि कल जाके इनके ऊपर का कोई भी एडवांस कंसेप्ट अगर आपको पढ़ने को मिले तो शायद आप इनको अच्छे से समझ सके. तो इन्हीं टॉपिक्स में अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, एट दैट टाइम आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं. लेकिन इन टॉपिक से रिलेटेड नए नए कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक. टिल देन बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. And take care.